नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू रिव्यू ब्लॉग। जी हाँ, आपने सही सुना, आज हम रिव्यू करने वाले हैं और वो रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसी चीज का जिसकी आपको हमेशा जरूरत होती है जब आप कार ड्राइव करते हैं। अगर आपके कार में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले सिस्टम नहीं है तो ये चीज तो आपके लिए मस्ट है। आपने सही पहचाना, ये चीज है एक मोबाइल होल्डर। जी हाँ, जो हम डैशबोर्ड या तो विंडशील्ड पे लगाते हैं, और ये मैंने अमेज़न से मंगवाया है। ये प्रोडक्ट है तंत्रा का ट्विस्ट यूनिवर्सल मोबाइल होल्डर है। इसका हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैंने क्यों परचेज किया है। एक्चुअली तंत्रा का मेरे पास और एक मोबाइल होल्डर था, लेकिन जिसकी जेल पैड कट हो चुकी है और निकल के आ चुकी है, इसके लिए मुझे नया लेना पड़ा। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको बताऊंगा ये कितना स्टर्डी है। तो मैंने बहुत सारे मोबाइल होल्डर्स और देखे, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए, तो मैंने वापस तंत्रा से ही ये मोबाइल होल्डर मंगवाया है। आइए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसकी पैकेजिंग ये ऐसे ही आई थी और ये बहुत ही खराब पैकेजिंग है, तो मुझे थोड़ा डाउट था कि ये कैसे है। तो हम लोग चलो ओपन करके देखेंगे, क्योंकि नॉर्मली अमेज़न से ऐसे पैकिंग कभी आती नहीं है। देखिए, आपने देखा खाली एक ही चीज पे इसे रखा हुआ था। इसमें क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं पहले। जी हाँ, तो आप जैसे देख सकते हैं एक होल्डर है और एक स्टेम है। आइए हम इसका मटेरियल देखते हैं। तो वैसे मटेरियल तो इसका अच्छा लग रहा है, जैसे मेरा पहला वाला मोबाइल होल्डर था वैसा ही ये भी है। बहुत ही स्टर्डी मटेरियल है और सबसे बढ़िया इसकी जो बात रहती है वो जेल पैड में रहती है, क्योंकि जो नॉर्मल जेल पैड रहता है वो तुरंत निकल जाता है, लेकिन ये वाले जो जेल पैड होते हैं इसको आप कितनी भी बार यूज कर सकते हो। अगर खराब भी हो जाए तो भी एक वॉश में ये पूरा क्लीन हो जाता है और वापस रिस्टोर हो जाता है उसका ग्लू। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। प्लस ये जो होल्डर है इसकी भी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो मटेरियल यूज किया है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे हम देख सकते हैं इसमें वन टच सिस्टम है, ये देखिए, और इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे ही आप मोबाइल उस पर फिट करोगे तो वो कस देगा। तो चलिए हम इसको कार में लगाते हैं और कार में आपको मैं लगा के दिखाता हूं कि ये कैसे फिट होता है। फिर इसका हम लोग परफॉर्मेंस भी देखेंगे गड्ढों में कैसे होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि इसका जो स्टेम है वो नीचे आ जाता है, ये जो बॉल स्टेम है ये नीचे आ जाता है, तो इसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस देखना भी बहुत जरूरी है। वैसे मुझे लगता है कि ये अच्छी तरह से वर्क करेगा, क्योंकि जो मेरा प्रीवियस वाला था वो भी बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा था। आइए देखते हैं इसको हम लोग असेंबल कैसे करेंगे। जैसे ये पीछे नॉब है, इसको हम लोग निकाल देंगे और इसे इस बॉल में फिट कर देंगे, और ये जो बॉल है इसको हम लोग पुश करेंगे, टक करके आवाज आपको आएगी। फिर आपको ये जो स्क्रू जैसे है इसको फिट करना है। तो ये हो गई अपनी फिटिंग, अभी आप देख सकते हो ये इजीली ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, यानी लूज नहीं है, यानी कि गड्ढों में अगर ज्यादा झटका भी आता है तो भी ये आसानी से नीचे नहीं आएगा, लेकिन ये स्मूथ है। और ऊपर से ये जो है ये देखिए आपको आवाज आती रहेगी। तो इसको हम लोग टाइट करते हैं और चलिए इसको लेके जाते हैं गाड़ी में, तो मैं आपको बताता हूं कि इसका परफॉर्मेंस कैसे है। डैशबोर्ड पे मोबाइल होल्डर आपको जहां फिट करना है वो सरफेस पहले अच्छी तरह से साफ कर ले, उसके बाद मोबाइल होल्डर को सरफेस पे प्रॉपरली सेट करके थोड़ा प्रेशर अप्लाई करें।
और दिए हुए लॉकिंग नॉब को प्रेस करके उसे सरफेस पे लॉक करें ताकि होल्डर सरफेस पे फिट हो जाए। आइए अब होल्डर के एंगल को सेट करें अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अभी मैं होल्डर को टैप करके देख रहा हूँ, उसे मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपरली फिट हो चुका है। आप देख सकते हो कि मोबाइल होल्डर कितनी स्मूथली मूव कर रहा है और थोड़ा सा टाइट भी है ताकि जर्क को संभाल सके, क्योंकि अगर ज्यादा लूज होगा तो मोबाइल नीचे आ जाएगा। अभी मोबाइल होल्डर निकालने का तरीका देखते हैं। पहले दिए गए लॉकिंग नॉब को रिलीज करें और फिर जेल पैड को ऊपर की तरफ खींचे। आप देख सकते हो कि ये जेल पैड कितना स्टिकी है। अभी देखते हैं जेल पैड का सरफेस, जिसके ऊपर डैशबोर्ड के रफ सरफेस की डिजाइन प्रिंट हो चुकी है। इसका मतलब ये जेल पैड सही है, जो कि सरफेस को अच्छी तरह से पकड़ रहा है, और यही असली जेल पैड की प्रॉपर्टी होती है। अभी मोबाइल होल्डर का वाइब्रेशन टेस्ट करते हैं। वैसे हमारे यहाँ के रोड्स ऐसे होते हैं कि इजीली वाइब्रेशन टेस्ट हो जाता है। इनफैक्ट ऐसे रोड्स कंडीशंस के लिए ही मोबाइल होल्डर्स अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। आप इन्वॉल्व परफ्यूम के टैग के ऊपर ध्यान रखिए ताकि आपको पता चले कि गाड़ी की कितनी मूवमेंट हो रही है। रोड की कंडीशन देखिए, कैमरा फुटेज भी जर्की हो रहा है। ऐसे कंडीशन में भी मोबाइल होल्डर ने मोबाइल को अच्छी तरह से होल्ड करके रखा है। तंत्रा के इस मोबाइल होल्डर का परफॉर्मेंस आपने देखा। तंत्रा का ये मेरा दूसरा मोबाइल होल्डर है और मैं इस प्रोडक्ट से भी सेटिस्फाइड हूँ। आपके लिए इस प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको मेरा ये प्रोडक्ट रिव्यू कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जो प्रोडक्ट्स खुद यूज करता हूँ उन्हीं का रिव्यू भी करता हूँ, तो ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है। वैसे अगर आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।